जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आपणे हिंदी धोरण 7 सेकंड सेमिस्टरनो चौथो पाठ भणी रह्या छीए। तो एमां प्रथम वीडियोमां तमे अब्दुल कलामनी अमुक बाबतो सुधीनो अभ्यास कर्यो। आ बीजा वीडियोमां पेज नंबर 22 आगळनो अभ्यास करीए। डॉक्टर कलामने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। एटले एम के डॉक्टर अब्दुल कलामे पूर्व महानगरपालिका मुंबईना एम के तिनायकर आयुक्तना तरफ थी एवं बोलिया कि अमीर लोग पोताना कूतराओं ने रोड पर हरवा फरवा लई जाए छे अने ज्यां त्यां गंदगी फैलावे छे, अने पछी ए ज लोको प्रशासन एटले के नगरपालिका पर दोषारोपण करे छे कि भाई रोड पर गंदगी फैलायेली छे, पण नगरपालिका कंई करती नथी। तो शा माटे तमे तमारा मौत शोक माटे कूतराओ पाड़ी अने कूतराओने गंदगी फैलावा माटे बहार लईने निकळो छो? क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर अपने पीछे चलेगा, उनके पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। एम के अब्दुल कलाम एवं कहे कि शू ए लोग एवं इच्छे छे कि जयरे बाहर निकले पोताना कूतरा ने लईने त्यारे नगरपालिका एक अधिकारी के एक माणस झाड़ू एटले सावरणी लईने एमनी पाछळ फरसे अने एमना कूतरा ने एम के कुदरती हाजत लागे के लेने टॉयलेट लागशे तो शू कोई व्यक्ति एने कटोरो लईने एने धरवा माटे ऊभू रहेशे एमनी पाछळ? अब्दुल कलाम आपणने आ रीते कहे छे कि आपणे ज गंदगी फैलावीए छीए अने आपणे ज प्रशासनने दोष आपीए छीए। राष्ट्रपतिने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। ले त्यार पछी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहे छे કે અમેરિકા અને જાપાન જેવા દેશોમાં પણ જો કૂતરાના માલિકે કૂતરો પાડ્યો હોય અને એને કૂતરાએ કોઈ ગંદકી કરી હોય તો એને સાફ કરવાની જવાબદારી તેના માલિકની છે અને તે ગંદકી માલિકે જ સાફ કરવી પડે છે। ફિર શાસન વ્યવસ્થા કે બારે મેં ડોક્ટર કલામને કહા કે હમ સરકાર ચુનને કે લિયે વોટ ડાલને જાતે હૈ ઓર અપની સારી જિમ્મેદારી અભી વહી ઉલટ આતે હૈ। એટલે એમ કે સરકાર વિશે અબ્દુલ કલામ કહે છે કે જ્યારે આપણે વોટ આપવા જઈએ ત્યારે બધી જ જવાબદારી સરકાર ઉપર નાખી દઈએ છીએ અને આપણે આપણી ફરજોમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ છીએ। હમ આરામસે બેઠકર સોચતે હૈ કે અબ હમારે નાજ નખરે ઉઠાએ જાયેંગે, અને પછી આપણે આરામથી બેસી જઈએ છીએ અને વિચારીએ છીએ કે હવે આપણી બધી જરૂરિયાતો પૂરી થશે। હમ સોચતે હૈ કે હમારા હર કામ સરકાર કરેગી ઓર હમ ફર્શ પર પડા હુઆ રદ્દી કાગજ ઉઠાકર ઉસે કૂડેદાન મેં ડાલને કી જહેમત તક નહીં ઉઠાએંગે। એટલે આપણે એવું વિચારીએ કે આપણું બધું જ કામ સરકાર કરશે અને આપણે તો એમ કે ફર્શ ઉપર એટલે કે જમીન ઉપર પડેલા નકામા કાગળને ઉઠાવીને કચરા પેટીમાં નાખવાનું કાર્ય પણ નથી કરતા। રેલવે હમારે લીએ સાફ સુથરે બાથરૂમ દેગી ઓર હમ ઉન્હે ઠીક સે ઇસ્તેમાલ કરના ભી નહીં શીખેંગે। એમ કે રેલવે આપણા માટે સાફ સુથરા બાથરૂમ આપે અને આપણે એનો વ્યવસ્થિત ચોખ્ખાઈપૂર્વક ઉપયોગ કરવાનું પણ નથી શીખતા। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। लेम के डॉक्टर कलाम एवं कहे छे कि समाज नी जे मोटी मोटी सड़गती समस्याओं छे ने एना विषे पण आपणे आवो ज विचार राखीए छे। हम ड्रॉइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। लेम के आपणे आपणा ड्रॉइंग रूम में बेसी ने दहेज विरोधी भाषणों अने वार्तालाप करीए छे और अपने घर में इसका उल्टा करते अने आपणे पोताना घर माटे आपणे पोताना घर में छोकरानी वहु लावीए तो धरईने दहेज लईए छे अने बार एना विरोध में आपणे भाषण आपीए छे। एटले आपणो आपणी विचारसरणी कंईक छे अने आपणे वर्तन कंईक जुदुं करी रह्या छे, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है अने पाछा छताय आपणे આખું બહાનું એવડું મોટું શોધી કાઢ્યું કે આખી વ્યવસ્થા આપણી વ્યવસ્થા સરકારની તંત્ર જ ખરાબ છે। અગર મેં અપને બેટે કે શાદી મેં દહેજ નહીં લૂંગા તો ઇસમે કોન સા બડા ફર્ક પડ જાયેગા, એટલે કે જો હું મારા છોકરાના લગ્નમાં દહેજ ના લઉં તો એમાં શું ફેર પડી જવાનો છે?
राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। एटले पोताना संदेश में राष्ट्रपति अपने सवाल करे छे कि आ व्यवस्था जे अपने लागे छे कि पुरानी थई गई जड़ छे नियमो बदलाता नथी तो आने बदलवानुं काम कोण करशे। यह व्यवस्था है किसकी, एम क्या व्यवस्था छे कोनी। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन आप आसानी थी कही दईशू कि अमरा आजूबाजूवाड़ा पड़ोसी बीजा शहरों आखो समुदाय अने आखी सरकार आना माटे जवाबदार छे। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, परंतु आपणे हूँ अने तमे क्यारे आना माटे जवाबदारी लईशू नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। लेकिन कई पण सारू करवानो विचार आवे त्यारे आपणे एम के आपणा घर ने सुरक्षित कवच में राखवानी कोशिश करीए छे। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं, बीजा देशों की सामे जोई रही है छे और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। एटले कि आपणे एवी राह जोईए छे कि कोई मिस्टर क्लीन आवशे अने जादू करशे पोताना हाथेथी चमत्कार करशे। ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चले देंगे, जो एवं नहीं थाय तो आपणे आपणा देश ने छोड़ीने जता रहीशुं। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, लेम के आपणे आपणा आवा भय थी ज भागीने अमेरिका जता रहीए छे। उनके गौरव का गुणगान करेंगे अने त्यानी व्यवस्था ना गुणगान गाईशू कि भाई अमारा देश में तो आवी गंदगी ने एवुं छे एनी सामे अमेरिका में केवुं सरस छे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। एटले त्यानी व्यवस्था नी प्रशंसा करीशुं। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएगा अने त्यां जो कोई आवी तकलीफ आवी जशे तो तमे त्यांथी इंग्लैंड भागी जशो। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचा कर घर ले जाए। लेकिन तमे आ रीते भागता ने भागता खाड़ीवाड़ा देशों में जता रहेशो ने जो त्या युद्ध थई जशे तो पाछा भारत सरकार पर दोषारोपण करशो कि अहीं युद्ध छे तो भारत सरकार बचाईने अमने लई जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। एम के हरेक व्यक्ति देश नो हरेक नागरिक व्यवस्था ने अने देश ने गाळ आपवा तैयार छे, परंतु देश ने सकारात्मक व्यवस्था में सहकार आपवा तैयार नथी। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया, एटले के आपणे आपणो आत्मा वेची मार्यो छे। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जगकर जगजोर देते हैं। एम के तमारे पण आपणा देशवासियों माटे एवुं लखे छे कि तमारे पण देशनी व्यवस्थाने जाळवा माटे साथ सहकार आपवो जोईए। कचरा पेटीमां ज कचरो नाखवो जोईए, योग्य समय योग्य अंतरे अने योग्य स्पीडथी गाड़ी चलावी जोईए, ट्राफિકના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ, નાના મોટા જે કઈ નીતિ નિયમો છે તેનું પાલન કરવું જોઈએ। શ્રેષ્ઠ નાગરિક બનને કી શરૂઆત કરને કી અપીલ કરતે હુએ સંદેશ મેં કહા ગયા હૈ કિ અગર આપ વાકઈ સંદેશ સે સંમત હોય તો ઇસે અપને 10 ઓર સાથીઓ કો ઈમેલ સે ભેજ દીજીએ। એટલે એમ કે અબ્દુલ કલામે આપણને કહ્યું જો તમે આ મારા બધી જ વાતથી સહમત હો અને નીતિ નિયમો પાળવા તૈયાર હો તો બીજા 10 તમારા મિત્રોને આ મારો ઈમેલ મોકલી દેજો અને એમને પણ સમજાવજો। પરિવાર કે સભી બડો કો મેરા પ્રણામ। પછી જે મિત્ર બીજા મિત્રને પત્ર લખ્યો છે એ લખે છે કે તારા પરિવારના મોટા વ્યક્તિઓને મારા પ્રણામ, તું મારા મિત્ર કિરણ। એટલે એમ કે તારો મિત્ર કિરણ। તો અહીં તમારો આ પાઠ પૂરો થાય છે। આ પાઠમાં આપણે દેશના સારા નાગરિક બનવા માટે અબ્દુલ કલામ આપણને જે જે સલાહ આપે છે તે યોગ્ય જ છે અને તેને આપણે અનુસરવી જોઈએ તેવી શીખ મળે છે। આ પાઠનું તમારે સ્વાધ્યાય નોટમાં લખવાનું રહેશે। જય સ્વામિનારાયણ।